नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद से ये लगातार संभावना व्यक्त की जा रही थी कि लद्दाख में जो विकास कार्यक्रम कश्मीर का साथ होने की वजह से काफी प्रभावित हो रहा है, अब वह दोबारा से सुनिश्चित हो सकेगा और विकास काफी अच्छे से हो सकेगा। उसी वक्त बीजेपी के सांसद जाम्यांग नामग्याल जी ने भी सदन में लद्दाख के उत्साह को रिप्रेजेंट करते हुए, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए काफी जोशीला भाषण भी दिया था, जो कि काफी चर्चित हुआ था। लेकिन अब शायद वो जो उत्साह है वो धरातल की भूमि पर पूरी तरीके से उस प्रारूप के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, उस उत्साह के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। सोमवार को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम गृह मंत्रालय नित्यानंद राय जी लद्दाख के दौरे पे थे। उस दिन लद्दाख ने पूर्ण रूप से एक बंदी का आयोजन किया और पूर्ण राज्य, एक स्वायत्त शासी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। केंद्र सरकार के रुख को देखकर ऐसा संभव लग नहीं रहा और एक कॉन्फ्लिक्ट की, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है लद्दाख में और केंद्र में। इस चीज को, इस पूरी परिस्थिति को एक प्रैक्टिकल व्यू देते हुए जाम्यांग नामग्याल जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि अनुसूची 6 को लागू किया जाए लद्दाख में। अगर लद्दाख का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो पहले से ही ऐसी 2 पहाड़ी परिषदें, एक लेह और एक कारगिल में मौजूद हैं। इनका ये मानना है कि जो वो दोनों परिषदें हैं उन्हें स्वायत्त दर्जा दे दिया जाए, उन्हें ऑटोनमस बना दिया जाए। अनुसूची 6 को अगर समझने की कोशिश करें तो अनुसूची 6 के तहत स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं जो फिलहाल असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हैं। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 सदस्य होते हैं जो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये जिला परिषदें कुछ विषयों पर, जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, वन, पानी, भूमि आदि से संबंधित कानून बनाती हैं और वो अपने आप में स्वायत्त होती हैं, उनका कानून उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या लद्दाख में ये कानून इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्या अनुसूची 6 लागू किया जा सकता है? तो जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए शेड्यूल 6 को लागू किया गया था। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसी जगह जहां पे अभी भी ट्राइबल एरियाज हैं, काफी ज्यादा इस तरीके के लोग हैं, जनजातियां हैं, वहां पे भी इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि लद्दाख में भी इसे लागू करना पूरी तरह से संभव शायद ना हो सके। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री है उसके कुछ ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार ऐसा कोई फैसला लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। तो इस वजह से अब जो स्थिति है वो काफी रोचक हो गई है और यह देखना काफी रोचक साबित होगा कि केंद्र सरकार आखिर इस मसले पर और इस प्रस्ताव पर क्या कहती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मसला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ और हमें अपनी व्यूज, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।